सहारनपुर में जिला अधिकारी शफकत कमाल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि आने वाली 11 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं, जिसके चलते प्रशासन ने मतगणना को गंभीरता से लिया है, जिसे शांतिपूर्ण कराया जाएगा। जिला अधिकारी ने बताया कि सहारनपुर में 7 विधानसभा है, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। सिक्योरिटी प्लान पूरा तैयार है, किसी को भी अंदर मोबाइल फोन से लेकर धूम्रपान की चीजें नहीं ले जाने दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ की 4 कंपनियां भी तैनात की गई है। सिक्योरिटी प्लान को 3 भागों में बांटा गया है। जो भी विजय होगा उसको सुरक्षा के साथ उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा और मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। साथ ही होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने 3 भाग में विभाजित किया है, इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन। इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में न केवल हमारा सिविल पुलिस का बल मौजूद रहेगा, बल्कि जो हमारे बाहर से पुलिस बल हमें प्राप्त हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो लोग भी तैनात रहेंगे। आइसोलेशन कॉर्डन जो कि थोड़ा सा मतगणना केंद्र से बाहर की तरफ रहेगा, उसमें भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ हमारा सिविल पुलिस बल मौजूद रहेगा। पूरे शहर में जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान है शहर में प्रवेश करने के, उन पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहेगा और चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का जो अनधिकृत रूप से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप आदि के प्रवेश पर पूरी तरह रोक है, उसके बारे में सभी प्रत्याशियों को और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बता भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में हम लोगों ने कुछ सेक्टर्स में शहर को विभाजित किया है और पर्याप्त मात्रा में जो हमारी पुलिस की मोबाइल पार्टीज हैं वो मौजूद रहेंगी, तो पूरे शहर में भ्रमणशील रहेंगी, ताकि जगह जगह जो लोग अक्सर भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं और चुनावी चर्चा के दौरान, बहस के दौरान आपस में कई बार झगड़ा भी हो जाता है, उसके दृष्टिगत हमारी मोबाइल टीम्स पूरे शहर में भ्रमणशील रहेंगी, ताकि कहीं भी किसी तरह की अप्रिय स्थिति सामने ना आने पाए। देखिए, इसको लेकर प्रत्याशियों को पूर्व में ही एक मीटिंग करके इस बारे में अवगत भी करा दिया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी ये संदेश उन तक पहुंचाया जा रहा है, और उस दिन हम लोग पूर्णतः सुनिश्चित करेंगे कि विजय जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित है और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस ना निकले और जो भी हारे हुए या जीते हुए प्रत्याशी हैं वो अपने अपने गंतव्य को सकुशल रवाना हो। देखिए, मतगणना के बाद शाम को जो नतीजे रहेंगे उसके दृष्टिगत सभी थानाध्यक्षों और क्षेत्र अधिकारियों को खास तौर से निर्देशित कर दिया गया है कि उन नतीजों को दृष्टिगत रखते हुए वो अपने अपने थाना क्षेत्र के जो संवेदनशील गांव हैं उनको चिन्हित करके रखेंगे और ऐसे सभी गांवों या मोहल्लों में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हम लोग तैनात करके रखेंगे। और हमारे पास जो 11 तारीख के बाद 12 तारीख का बीच में दिन है, उस दिन का हम लोग सदुपयोग करेंगे और उन गाँव में जाके लोगों से बातचीत करके प्रयास करेंगे कि होली वाले दिन कहीं कोई अप्रिय वारदात, कोई घटना किसी तरह की पूरे जनपद में ना हो। नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन हर दृष्टि, हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं और हर तरीके से सतर्क दृष्टि हम लोग रख रहे हैं।